वीडियो तुम लोगों को तो ऑन करना रिकॉर्डिंग। होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी चीज रखना ध्यान में कि थोड़े अच्छे से रहो। जब तुम लोगों का होगा तो अच्छे से बैठना या जहां भी हो, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि बहुत वेल ड्रेसअप होकर आओ, बट जहां भी रहो कम से कम फॉर्मल में रहो। जो भी सर या टीचर आएंगे क्वेश्चन करेंगे लैब से रिगार्डिंग, ठीक है, तो लैब से रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा ही होगा। जैसे लैब से रिगार्डिंग, जैसे तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो देखा था परमेबिलिटी का, ठीक है, फाइनेंस का, इससे पहले भी तुम लोग साउंडनेस कर चुके हो। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद तुम्हारा है कंसिस्टेंसी का, जो जो कर चुके हो, ठीक है। देन और क्या है जो सीमेंट में किया हुआ है, शायद तुम लोगों का सीमेंट में स्पेसिफिक ग्रेविटी, तुम लोग में जाकर देख लो क्या क्या हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग बोलोगे, ठीक है। देन ये सारा टेस्ट और क्या क्या हुआ है, फाइनेंस हुआ है, परमेबिलिटी हुआ है, सामने हुआ है, कंसिस्टेंसी हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया है, और इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, IST एंड FST, ये सारा जो टेस्टिंग है, सीमेंट का टेस्ट है ये सारा, जिसमें तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं कि ब्लेंस परमेबिलिटी टेस्ट में, जिसको एयर परमेबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, तो यहाँ पर जो कॉलेज में यूज होता है वो ब्लेंस एयर परमेबिलिटी होता है, और यही तुम्हारे सिलेबस में भी है। तो सिलेबस में जो परमेबिलिटी मेथड है, एयर परमेबिलिटी मेथड, वो ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड है। इसके अलावा भी और मेथड है जो यूज होता है, जैसे ली एंड नर्स मेथड, ठीक है, फिर रिगडन मेथड और ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड, और एक है कोजीमेंस करके है, वो भी होता है, बट सिलेबस में जो है वो सिर्फ ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड है, जिसमें सीमेंट के पार्टिकल का स्पेसिफिक सरफेस एरिया हम लोग निकालते हैं। फाइनेंस में क्या कर देखते हैं, तो फाइनेंस का मतलब ही ये है, यहाँ पर ये मतलब हुआ कि मेरा जो गिवन सैंपल में एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, वो फाइनेंस मेजर हम इसी तरह से करते हैं। साउंडनेस में क्या है, तो साउंडनेस में हम लोग देखते हैं कि मेरा जो सीमेंट है वो कितना साउंड या अनसाउंड है, मतलब कि उसमें कितना एक्सपेंशन होने की कैरेक्टरिस्टिक, वो कितना एक्सपेंड करेगा आफ्टर हार्डनिंग, ठीक है। फिर कंसिस्टेंसी में हम लोग क्या चेक करते हैं, तो कंसिस्टेंसी में चेक करते हैं कि सीमेंट का एक स्टैंडर्ड पेस्ट बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल कर हम लोग क्या देखते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम लोग देखेंगे कि सीमेंट का जो सैंपल लिए हैं उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आता है। अब इस स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर मेरा जितना स्पेसिफिक ग्रेविटी कम आता जाएगा, सॉरी ज्यादा आता जाएगा, मतलब फाइन होते जा रहा है, कम आ रहा है, तो और मतलब मेरा वो कोर्सर होते जा रहा है। इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम में हम लोग ये देखते हैं कि जो पर्टिकुलर सैंपल या सीमेंट जो हम लोग लिए हैं उसका सेटिंग टाइम कब स्टार्ट हो रहा है, और फाइनल सेटिंग टाइम मतलब वो बिल्कुल हार्डन कब हुआ है, तो हम लोग ये सारा सीमेंट में देखते हैं। देन उसके बाद एग्रीगेट टेस्ट भी है, एग्रीगेट एग्रीगेट में तुम लोगों ने क्या क्या किया था, तो एग्रीगेट टेस्ट में शायद तुम लोगों ने सीव एनालिसिस किया था, वो
कोर्स का एंड फाइन का, दोनों का, कोर्स एंड फाइन दोनों का। तो सीव एनालिसिस में क्या क्या आ जाएगा? एक तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा और दूसरा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें हम लोग वो देखते हैं, चेक करते हैं कि मेरा सारा वेल ग्रेडेड है या मेरा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है या मेरा गैप ग्रेडेड है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग उसका इफेक्टिव साइज भी निकालते हैं, सीसी और सीयू भी बता चुके थे वो। और दूसरा हम लोग और इसमें क्या देखेंगे, तो फाइननेस मॉडुलस, ठीक है। तो इस सीव एनालिसिस से मुझे ये दोनों पता चल गया। अब इसके बाद और हम लोगों ने इसमें क्या देखा था, तो मॉइस्चर कंटेंट, कितना ये वाटर एब्जॉर्ब करता है मेरा कोई भी एग्रीगेट, वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये तो ओवन ड्राई मेथड से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग उससे ये निकाल के देख लेंगे। फिर और हम लोगों ने इसमें क्या देखा था, शायद इसमें हम लोगों ने इतना ही देखा है। देन इसके बाद शायद तुम लोगों ने ब्रिक का भी किया है, ब्रिक की टेस्टिंग भी किया है। तो ब्रिक में हम लोग शेप एंड साइज देखे थे, और ब्रिक का स्ट्रेंथ ठीक है। तो इतना कम से कम तो जो तुम लोग किए हो वो तुम लोगों को ये सब पता होना चाहिए। ये सब देखे हो या नहीं देखे हो? मैम ये देखे हैं, मैम सिर्फ यही सब पूछेंगे मैम कि इससे एक्स्ट्रा भी मतलब अपने से भी पढ़ लेंगे। हाँ देखो, एक्स्ट्रा मतलब सिलेबस में क्या क्या है, सिलेबस में तुम लोगों का ब्रिक का है, सॉरी ब्रिक के बाद शायद एक बार तुम लोगों को मैंने सॉइल का भी बताया है। तो इसके बाद है सॉइल टेस्ट, सॉइल टेस्ट जिसमें तुम लोगों को क्या एटाबॉक्स लिमिट मतलब लिक्विड लिमिट टेस्ट, प्लास्टिक लिमिट टेस्ट है ना, तुम लोगों को ये निकालना होगा, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, मतलब एटाबॉक्स लिमिट मुझे इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये सॉइल टेस्ट हुआ। तो लगभग इतना सारा टेस्ट का जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हुआ है वो बताया गया है। तो यही सब टेस्ट से ही तुम लोगों से पूछा जाए, एक्सटर्नल आते हैं। तो अब मेरे सब्जेक्ट के लैब के अलावा और कौन कौन सा सब्जेक्ट का लैब है वो तुम लोगों को पता होगा, ये तो मुझे नहीं मालूम। तो उस सब्जेक्ट से भी रिगार्डिंग क्वेश्चन तुम लोगों से पूछे जाए। तो ये तो एक तुम लोगों को, हाँ बताओ मैम, एक ही बार में सब सब्जेक्ट का ले लेंगे? हाँ, एक दिन ही तुम लोगों को टाइम दिया गया ना, तुम लोगों का कितना लैब है? ऐसा तो पांच लैब सब्जेक्ट जो है, लग रहा है पांच सब्जेक्ट लैब का है। लैब है तो सभी से लगभग दो दो क्वेश्चन ऐसे करके एक ही दिन में पूछ लिया जाए। एक साथ हम लोग कितना को रहेंगे मैम, जैसे कि लिंक आएगा तो उसमें फिर सर को कॉल करके सोचते हैं। ये देखो, ये तो जैसे तुम लोगों का अगर 60 का है तो सर कितना तुम लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितना मिला है उस पे डिपेंड करता है। कुछ नहीं मैम, केवल एक लिंक आया मैम, उसमें टाइम लिखा हुआ है मैम, ऐसे नहीं लिखा हुआ है कितना स्टूडेंट। 3 आवर है मैम, 3 आवर है तो अच्छा खासा तुम लोगों के पास टाइम हो है।
कम ही स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, अगर कम टाइम है तो एक बार में 6 स्टूडेंट आएंगे, ठीक है? तो पता चले हाँ, ग्रुप के थ्रू ना मैम कब जाना है। ग्रुप के थ्रू नहीं कर लूँ, नाम बता देंगे, रोल नंबर वाइज जैसे जैसे होगा वैसे बुला लिया जाएगा, ठीक है? क्या सर जैसा होगा उसको डिसाइड करेंगे, वैसे बुलाएंगे, तो वो नाम बोल देंगे, तो तुम लोगों को जिसको बोलेंगे वो रहेंगे, बाकी लोग हट जाना, जिनका होते चला जाएगा वो हटते चले जाना, ठीक है? तो टाइम पर सब आ जाना, और जिनका जब रहे वो लोग प्रेजेंट रहना, ऐसा नहीं कि किसी का एब्सेंट हो। मैम एक ग्रुप में सबका इक्वल मार्क्स है ऐसे देंगे, एक ग्रुप हाँ, बोलेंगे उसका। मार्किंग तो तुम जवाब दोगे तो तुम्हारा मार्किंग जाएगा, ऐसा कोई नहीं, सबका एक जैसा जवाब एक ग्रुप यही में बात मैम होती है। नहीं, अगर टाइम देखो, सब टाइम अगर 3 घंटा बोल रहे हो तो 3 घंटे में सर वन बाई वन भी ले सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में बुलाकर, और ऐसा नहीं है ग्रुप में वो इंडिविजुअली ही सबसे पूछेंगे, ग्रुप में नहीं पूछते हैं। जैसे अगर तुम हो धर्मेंद्र कुमार यादव, तुम लोगों का एक ग्रुप आया जिसमें 4-5 लड़के हो, तो हम यही बोलेंगे ना कि धर्मेंद्र तुम बताओ कि परमेबिलिटी टेस्ट है क्या, समझ में आ रहा है? यस ऐसे यस करके पूछा यस जाए, मैम तो ऐसा नहीं कि ग्रुप में एक क्वेश्चन बोल दिए कोई भी आंसर दे दे, ऐसा नहीं होता है। यस मैं वही पूछ रहा। और इसके रिगार्डिंग किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं कुछ पूछना है तो ठीक है।